Hello students, so in this lecture we will study the phasor diagram of synchronous generator. तो phasor diagram के लिए सबसे पहले हम equivalent circuit draw कर लेंगे. ये जैसे कि मैंने last lecture में आपको बताया था, ठीक है. तो यहाँ पे ये generated voltage है, ये terminal voltage है, ये resistance है winding की, leakage reactance and armature reaction reactance. So अब अगर आपको एग्ज़ाम में आता है ये, तो आप जो ये क्वांटिटीज़ हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफ़ाइन की थी वैसे कर आप इनको डिफ़ाइन कर देना, और इक्विवेलेंट जो सर्किट इक्वेशन बनेगी वो भी आपने डिराइव कर देना. उसके बाद आप फेजर डायग्राम बनाना. तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, ये इज़ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई ए आर ए रेजिस्टेंस में ड्रॉ प्लस आयोटा आई ए एक्सल, बिकॉज ये फेज में नहीं है, आयोटा एंगल रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री, एंड आयोटा आई ए एक्स ए आर, ठीक है. तो ये वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस में, आई इन टू आर वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप एक्सएल में है, और ये वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन है, ठीक है. अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए, ठीक है. अब यूनिटी पावर फैक्टर लोड मतलब यहाँ पे जो ये लोड है वो आपका यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, जिसका पावर फैक्टर कॉस फाई 1 है. अब प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो मतलब पावर फैक्टर उसका 1 है, मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, वो और जो लोड का करंट है उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है. जो लोड के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज और उस लोड का करंट दोनों ही फेज में होंगे, क्योंकि लोड आपका रेजिस्टिव है. तो सबसे पहले हम वही ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है सपोज, और इसी डायरेक्शन में आपका करंट भी होगा क्योंकि ये रेजिस्टिव है, तो आईए भी उसी डायरेक्शन में होगा. अब हमें इस इक्वेशन को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है. अब ये वीटी है, ठीक है. अब वीटी में हम ऐड करेंगे वोल्टेज ड्रॉप जो रेजिस्टेंस में हो, जो है आईए इंटू आरए, ठीक है. अब जो वोल्टेज की डायरेक्शन है उसी में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये करंट के ही डायरेक्शन में होगा. तो इसमें मैंने आगे फर्दर एक कंपोनेंट ऐड कर दिया आई ए आर ए, ठीक है, वी टी प्लस आई ए आर ए हो गया, ओके. अब इसमें और ऐड करना है आई ए इंटू एक्स एल. आई ए इंटू एक्स एल है आपके इंडक्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है. अब इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप करंट से 90 डिग्री पे होता है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये जो वोल्टेज होगा आई ए इंटू एक्सएल वोल्टेज है, वो करंट की डायरेक्शन में नहीं होगा. रेजिस्टेंस में तो आई ए आर ए जो ड्रॉप था वो करंट के ही डायरेक्शन में था, पर इंडक्टेंस में अब वो इसके 90 डिग्री पे होगा. तो ये हमने बना दिया आई ए एक्सएल बना दिया, ठीक है. सिमिलरली आई ए एक्स ए आर होने हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में आगे हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका आई ए एक्स ए आर हो जाएगा, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए. अब इन सब का सम वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एक्सएल प्लस आई ए एक्सएस ई ए के बराबर है, तो ये हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. वी टी में ये आपका ट्रायंगल लॉस है, इस तरह से आ जाएगा. तो ये है ई, ठीक है. तो ई किस किस से मिलके बना है, वी टी में आई ए आर ए ऐड किया, तो ये इतना आ गया आपके पास टर्म. इसमें हमने आई ए एक्स एल और आई ए एक्स एल ऐड किया, ये आ गया, और ये ट्रायंगल लॉस है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक ये आई ए इंटू एक्स ए आर ए था, आई ए आर ए था, और इनका अगर हमने सम करना है, सिर्फ ये वाली क्वांटिटी अगर हमने निकालनी है आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स एल प्लस आई ए एक्स एस, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है. तो ये
और हमें पता है आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स एल प्लस आई ए एक्स से आर किसके बराबर होता है, ये आई ए इंटू इसको हम जेड भी लिख सकते हैं, तो आई ए जेड ए हो जाएगा ये, तो ये आपका फेजर डायग्राम बनेगा। और इस तरफ इन दोनों को अगर हम ऐड करके लिखना चाहें तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई ए एक्स एस भी बोल सकते हैं क्योंकि आई ए एक्स ए एल प्लस आई ए एक्स ए आर आई ए एक्स एस के बराबर होता है, तो आई ए एक्स एस लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा फेजर डायग्राम बनेगा फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। अब हम ड्रॉ करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, तो अगेन हम सिमिलरली वैसे ही टर्मिनल वोल्टेज हमने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपका लोड जो है वो लैगिंग है, मतलब इसमें इंडक्टिव भी होगा कंपोनेंट। ठीक है, सब जैसे आर एल लोड है तो वो करंट जो है वो वोल्टेज की डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा लैग करेगा, डिपेंड करता है कितना इंडक्टिव लोड है। तो मैं यहाँ सपोज़ इधर बना दिया मैंने आई ए की डायरेक्शन, तो ये लोड का वोल्टेज है और लोड का करंट उसकी टर्मिनल वोल्टेज से लैग करेगा क्योंकि ये लैगिंग लोड है। अब हमने इसमें ऐड करना है आई ए इंटू आर ए। ठीक है, तो वी टी में अब आई ए आर ए ऐड करना है, तो आई ए आर ए है रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है, तो रेजिस्टेंस मतलब ये वाला। अब इसमें जो करंट है वो ये है इस डायरेक्शन में, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन रहती है वही आपकी वोल्टेज की डायरेक्शन रहती है। तो पूरे सर्किट में तो करंट ये है, ठीक है, इस एंगल पे आएगा ये करंट, तो जो करंट इसमें जा रहा है वही सारे सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो वो वोल्टेज से इस तरह से लैगिंग है। तो रेजिस्टेंस में भी यही वाला करंट जा रहा है इतने एंगल पे लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एडजस्ट हो चुका है, पर उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो भी इसी एंगल डायरेक्शन में होगी। तो हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आई ए आर ए, रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है वो करंट की ही सेम फेज में। ठीक है, तो वी टी में आई ए आर ए ऐड कर दिया। आई ए एक्स एल ऐड करना है, तो आई ए एक्स एल ये आपका इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब ये जो इंडक्टर है, अब इसमें जो वोल्टेज है, ठीक है, वो करंट से 90 डिग्री पे होगी, तो इसके थ्रू भी करंट यही है, तीनों में करंट यही फ्लो कर रहा है। ठीक है, पर अब जो इसमें जो करंट है वो ये है, पर इसकी जो वोल्टेज होगी वो इसके 90 पे होगी क्योंकि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में 90 का एंगल होता है, तो ये इसके थ्रू करंट है इंडक्टर में, तो इसकी जो वोल्टेज होगी वो इसके हम 90 में बनाएंगे। ठीक है, तो इसके 90 डिग्री पे ये आ गया आपका आई ए एक्स एल, इसमें फर्दर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उसी तरह से आई ए एक्स ए आर भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हमें पता है इनको हम टोटल क्या बोल सकते हैं, का मतलब आई ए एक्स एस भी होता है। ठीक है, इसको ठीक है सिंक्रोनस रिएक्टेंस जिसको कहते हैं। अब इन दोनों तीनों का हमने टोटल करना है, वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस ये दो, तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ से कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका ई ए आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों का करना है अगर आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स एस का, तो ये इससे आ जाएगा और ये आ जाएगा आई ए इंटू जेड एस सिंक्रोनस इम्पीडेंस, तो ये आ जाएगा आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे। आप पावर फैक्टर एंगल भी यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये हम थीटा से मार्क कर लेते हैं। अब हम देखेंगे लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, तो अगेन हम वोल्टेज ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जो करंट है वो लीड कर रहा है लोड, आपका कैपेसिटिव होगा तो इससे पहले आएगा, तो सपोज़ ये मेरी करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अब पूरे सर्किट का करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, कि सीरीज़ में करंट सब में सेम फ्लो करेगा, तो अब टर्मिनल वोल्टेज में आई ए आर ए ऐड करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में भी करंट की डायरेक्शन यही है, तो रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वही वोल्टेज की डायरेक्शन होगी, तो आई ए आर ए वोल्टेज जो आप है रेजिस्टेंस में, तो ये भी हमें इसके बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका आई ए आर ए। बी टी में आई ए आर ए ऐड करेंगे।
अब हम आई एक्सेल ऐड करेंगे। आई एक्सेल मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, वो इस करंट से 90 डिग्री पे होगा। मतलब ये इसकी डायरेक्शन थी इसी करंट की, इसके 90 डिग्री पे। तो इसके 90 डिग्री पे हमने बना देना है आई एक्सेल, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में आपका आगे को आई एक्स ए आर भी हो जाएगा, और इन दोनों को हम टोटल करके क्या लिख सकते हैं, आइए एक्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का हमने सब सम करना है, वी टी प्लस आइए आर ए प्लस आइए एक्सेल प्लस आइए एक्सेस। तो ये इस लॉस, ये इससे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर आइए आर ए प्लस आइए एक्सेल प्लस आइए एक्स आर को करना है, तो इस ट्राइंगल से ये आइए जेड एस हो जाएगा। इस एंगल को हम पावर फैक्टर एंगल थीटा भी मार्क कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से ये कैपेसिटिव या लीडिंग लोड के लिए आपका फेजर डायग्राम बनेगा।